हे गाइस, मैं कई दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई हूँ और इसी बीच मेरे घर पापा और दीदी का बेटा आया हुआ था। ये मेरे पापा हैं और ये जो ऑटो के पास खड़ा है वो दीदी का बेटा है। The next day. Hey guys, आज हम लोग प्रियदर्शनी सुपर मार्केट आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, बहुत साफ़ सुथरा और सभी राशन का सामान मिल जाता है। तो होली आने वाली है तो मैंने सोचा पहले से ही यहाँ सब राशन का सामान ले लूँ। तो मैं यहाँ राशन का सामान ले रही हूँ। पीछे हमारे ये ट्रॉली है, इसमें मैंने सामान काफ़ी ले लिया। बहुत ही अच्छी सुपरमार्केट है, ये सिविक सेंटर में है, प्रियदर्शनी के नाम से, गवर्नमेंट की है। सब सामान बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, आपको घर का हर सामान मिलेगा और बहुत बड़ा सुपरमार्केट है। क्या लिया ये तुमने? बहुत ही अच्छी बिस्किट है, न्यूट्री चॉइस। हम काफ़ी देर से ढूंढ रही थी न्यूट्री चॉइस बिस्किट, डाइजेस्टिव की बहुत ही अच्छी। एक सोया स्टिक मिल गया, चल ले लो, कोई बात नहीं। दिखाओ जरा कैसा है, पास से दिखाओ। सोया स्टिक्स, फॉलो मी। और बिस्किट, और कोई बिस्किट लेना है? नहीं, मैंने रख ली। रखी तुमने कुछ? हाँ। सामान की बिलिंग करवा रहे हैं। यहाँ से हम लोग LG शोरूम जाएंगे, AC लेना है क्योंकि हमारे घर AC नहीं लगा हुआ और पिछले साल काफ़ी गर्मी पड़ी थी तो सोच रहे थे कि AC लगवा ले इस साल। इसलिए हम लोग वहाँ सर्च करने गए हैं कि देखिए कौन सा AC अच्छा रहेगा लगाना। तो बस हम लोग LG के शोरूम में आ गए हैं और यहाँ पता कर रूम का क्या यहाँ पे अप्रूव है 12x12। तो वहाँ पर हम रेटिंग का लेंगे। हाँ, रेटिंग इसका लाएंगे, यार को 5 स्टार रेटिंग। और ये 5 स्टार है, ये 5 स्टार है और ये वाला 4 स्टार। अच्छा, दो रोटी में दोगे, उसमें आपको रोटी दो लगेगी, मतलब एक रोटी आपको ऊपर लगाओ, एक रोटी आपको नीचे लगाओ, कितने का वाइब्रेशन कम होगा, नॉइज कम होगा, ड्यूरेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी। ये रहे। और ये LG कन्वर्टर AC है, इसमें अलग से वो नहीं लगाना पड़ेगा ना, स्टेबलाइजर वगैरह? स्टेबलाइजर का वोल्टेज फ्लक्चुएशन है आपके वहाँ पे? हाँ, होता तो है। नहीं, थोड़ा बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें नॉर्मल स्टेबलाइजर इनबिल्ट है, पर ज्यादा का वोल्टेज फ्लक्चुएशन है तो ज्यादा नहीं, कभी कभी होता है, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा अच्छा, क्या क्या प्राइस है इनका? जैसे 52 की रेंज का है। कितने का? 52 की रेंज है। अच्छा अच्छा। और जैसे ये वाला जो आपको डिस्काउंट करने का, और इसमें जो इंस्टॉलेशन वगैरह चार्ज अलग लगेगा कि आपके साथ कंप्लीट साथ आता है वहाँ इंस्टॉल वगैरह करना है? अच्छा अच्छा। और कुछ इसमें और कुछ लगेगा एक्स्ट्रा? पासा का सामान लेके आ गए, सामान लेकर के तो आ गए, अब इसको सेट करना सबसे बड़ा काम है। तो सारा राशन का सामान अब मैं सेट कर रही हूँ, रात काफ़ी हो गई है, हम लोग वहाँ से भेलपुरी वगैरह खा के आ गए थे इसलिए ज़्यादा भूख नहीं थी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो कितना बज गया? 9 बज गया और अभी हमारे यहाँ डिनर नहीं बना है, तो आज मैं नमकीन चावल बनाऊंगी, प्याज और मटर, हरी मिर्च, टमाटर से। आज मैं अभी डिनर में नमकीन चावल बना रही हूँ जो फटाफट बन जाएगा, मतलब एक तरह का पुलाव ही है लेकिन हल्दी डाल के बनाऊंगी, पीला पुलाव।
मैंने वैसे एक इसकी रेसिपी शेयर की है तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी अभी बता देती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। ये मैंने सब चॉपिंग कर ली है, एक प्याज काटी है, 3-4 हरी मिर्च हैं, एक टमाटर है, थोड़ी सी धनिया पत्ती और थोड़े से मटर लिए और चावल को धो करके रख लिया है। अब कुकर चढ़ाएंगे, रिफाइंड ऑयल से बना रही हूँ। लगभग 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, प्याज और हरी मिर्च डालेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसको चला देंगे अच्छे से और फिर थोड़ा देर के लिए ढक देंगे। अब इसमें हम हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको चलाएंगे अच्छे से। अब इसमें टमाटर डाल रही हूँ मैं और कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, इसको अच्छे से चला करके धुला हुआ चावल डाल देंगे और फिर इसको चलाएंगे अच्छे से, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसको कुकर को बंद करके 2 सीटी आएगी जब तो इसको कुकर को बंद कर देंगे। 2 सीटी आ गई है तो हमने गैस बंद कर दिया है, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे और इसमें थोड़ा ऊपर से घी डाल देंगे क्योंकि हमने रिफाइंड ऑयल से बनाया है तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी डालेंगे। और ये देखिए हमारा नमकीन चावल या पीला पुलाव रेडी है।